मगर मैट्रिक क्लास 6 के ऐसे आपसे भाषा प्रोग्राम से बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे प्रकरण का नाम है पत्र, सर्वनाम हमने पूरा कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? पत्र पढ़ेंगे। पत्र किसे कहते हैं? अपने विचारों के आदान प्रदान का, यानी मैं अपने अपने विचार किसी को लिख रही हूँ, कोई अपने विचार मुझे लिख रहा है, तो वो उसका जो साधन है, उसका जो एक माध्यम है वो पत्र है। आज के समय में पत्र की महत्वता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पुराने समय में पत्र ही इस आदान प्रदान का एक साधन थे। पर्टिकुलर आज तो ये जगह फोन लेने के लिए, लेकिन पुराने समय में विचारों का जो आदान प्रदान होता था, अपनी सूचनाओं का, अपनी संवेदनाओं का, अपने विचारों का, अपने भावों का, वो सब किसके माध्यम से होता था? वो पत्र के माध्यम से होता था। ठीक है बेटा, तो अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान जिससे जिसके माध्यम से करते हैं, अपने भावों का, अपने विचारों का आदान प्रदान जिसके माध्यम से करते हैं, उसको पत्र कहते हैं। पत्र के दो भेद होते हैं, नंबर एक औपचारिक पत्र और नंबर दो अनौपचारिक पत्र। देखिए नाम भी बिल्कुल साधारण है, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र, व्यवसाय पत्र और कार्यालय पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र आप अपने विद्यालय से संबंधित पत्र लिखते हैं, जो प्रार्थना पत्र के पत्र है। व्यवसायिक पत्र में आपने कार्य से संबंधित, आप किसी अपने बिजनेस पार्टनर को या किसी आपको सामान मंगाना है, आपको सामान भेजना है, आपको कुछ कराना है, अपने कार्य से संबंधित जो आप पत्र लिखते हैं वो व्यवसाय पत्र होते हैं। और कार्यालय पत्र वो होते हैं जो हम किसी अधिकारी को भेजते हैं, अपनी समस्याओं के, सूचनाओं के जो हम पत्र भेजते हैं वो कार्यालय कहलाते हैं, होते हैं। ठीक है बेटा, अनौपचारिक पत्र में निजी और पारिवारिक पत्र आते हैं। निजी पत्र में अपने परिवार से संबंधित सभी रिश्तों के पत्र आते हैं, मान लें पापा को, मम्मी को, भाई को, बुआ को, मौसी को, मामा को, दादी को, किसी को भी नानी को, नाना को पत्र लिखेंगे तो वो पारिवारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, वो अनौपचारिक पत्र होगा। तो औपचारिक पत्र में हम कार्य से संबंधित पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में हम व्यवहार से संबंधित पत्र लिखते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों से संबंधित पत्र लिखते हैं। ठीक है बेटा, औपचारिक और अनौपचारिक का अंतर आपको समझ आ गया। कार्य से संबंधित पत्र औपचारिक पत्र, व्यवहार से संबंधित पत्र अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो एक फॉर्मेट में आपको बता दे रही हूँ औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में सबसे पहले प्रेषक का नाम, प्रेषक कौन होता है? भेजने वाला। मान लो मैं आपको पत्र भेज रही हूँ तो मैं अपना नाम, फिर दिनांक, फिर जिसको भेजा जा रहा है, जिस अधिकारी को, उसका नाम और पता, फिर विषय, किस विषय पर भेज रही हूँ वो लिख दीजिए, वो एक लाइन में लिख दीजिए, फिर जिस विषय पर आपने पत्र भेजा है उससे संबंधित पूरी डिटेल, यानी पूरी एक पैरे में वो पूरी समस्या अपनी लिख देंगे, उसके बाद धन्यवाद और बहुतिया करके अपना नाम लिखेंगे। ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। ठीक है, समझ आया? देखिए पत्र जो शुरू करते हैं हम लेफ्ट तरफ से शुरू करते हैं, यानी अगर मैंने पहला शब्द यहाँ लिखा है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो जितनी भी लाइनें लिखूंगी मैं पंक्ति तक, वो सारी इसी एक लाइन के नीचे, यानी जहां से मैंने पहला शब्द शुरू किया है बिल्कुल अंत का शब्द भी उसी के नीचे आएगा। पहले कैसे लिखते थे? कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे लिखते थे पत्र पर। पर अब नहीं है ऐसा, पहला शब्द जहां से शुरू होता है अपने लेफ्ट तरफ से, तो वहीं पर उसका अंत होता है। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये समझ लेंगे। दूसरी बात, पत्र को संक्षिप्त लिखा जाता है, यानी छोटा लिखा जाता है। ये नहीं कि आपने 10 पेज का पत्र लिख दिया, नहीं, एक या दो पेज का पत्र लिखा जाता है। पत्र सरल भाषा में लिखा जाता है, ऐसी भाषा की सामने वाले को भाषा समझ आ सके कि कैसे लिखा है इसके पत्र। ठीक है, फिर स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो आप लिखे आपका उद्देश्य क्या है वो स्पष्ट हो जाए। एक बार आप पत्र को पढ़ेंगे भी कि क्या जो मैं लिखना चाह रही थी वो मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है, तो इस प्रकार से आप पत्र लिखेंगे। तो फॉर्मेट औपचारिक का समझ आ गया, सबसे पहले भेजने वाले का नाम, फिर दिनांक, फिर जिस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं उनका नाम और पता, फिर विषय, फिर संबोधन शब्द, और पूरा पैरे में अपनी समस्याएं, जो बात आप उस अधिकारी से
प्रारूप कहते हैं हिंदी में इसको, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र भी छोटा होता है पत्र, इसमें कॉलम ज्यादा होते हैं क्योंकि ये बड़ा पत्र होता है, और ये और वो अनौपचारिक पत्र छोटा होता है क्योंकि वो हम अपने पारिवारिक पुस्तकों में लिखते हैं। उसमें प्रेषक का पता यानी आप भेजने वाले आपका पता, दिनांक और संबोधन शब्द जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फिर अभिवादन शब्द, फिर आप वो पैरा लिखेंगे जिस जो आपको बताना चाह रहे हैं जिस जिसको भी। उसके बाद अपना नाम, प्रेषक का नाम और प्रापक का नाम और उसका पता। अपना जो नाम लिखेंगे आप वो उस संबोधन शब्द के साथ लिखेंगे, सबसे पहले अपना पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन शब्द, फिर वो पूरा पैरा, फिर अपना नाम और संबोधन शब्द के साथ, और फिर जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम और पता। तो ये आपके दोनों पत्रों का प्रारूप है जो मैं आपको कॉपी में भी भेजूंगी, लिख के नोट्स में आप उसको लिखेंगे, नोट्स में भेजूंगी मैं, आप उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और याद भी करेंगे क्योंकि पत्र बेटा जरूर आएगा, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों पत्रों में से एक पत्र आएगा। तो आपको एक औपचारिक पत्र लिखना है उसी प्रारूप पे और एक अनौपचारिक पत्र। प्रारूप भेज दिया, समझा दिया, लिखेंगे आप अपने मुझे चाहिए, ठीक है बेटा। धन्यवाद, एक कार्य आप जरूर करेंगे। धन्यवाद।